अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और आप में से अधिकतर लोगों के मन में सवाल होगा, क्या ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी हैं? क्या फिर भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं? और आप में से अधिकतर लोगों को मालूम भी होगा कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत आप अगर विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं या विधान परिषद के सदस्य भी नहीं हैं तब भी आप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बन सकते हैं। और कई राज्यों में ऐसा हुआ भी है, उनके भी उदाहरण आपको दे के बता दूंगा। यहाँ तक प्रावधान किया गया है कि आप चाहें, मान लीजिए आपकी बात कर रहा हूँ, तो आप भी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, या फिर आप केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं या राज्य सरकार में, बिना किसी सदस्य के। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर आपको विधान अगर मुख्यमंत्री बनते हैं या राज्य में आप मंत्री बनते हैं तो उसकी विधानसभा या फिर विधान परिषद से आपको सदस्य बनना अनिवार्य होगा। 6 महीने तक आप रह सकते हैं, सीधी बात। और इसी तरह आप देखेंगे केंद्र में आप प्रधानमंत्री भी रह सकते हैं 6 महीने तक, और आप केंद्र में मंत्री भी रह सकते हैं 6 महीने तक। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदस्य जैसे लोकसभा या राज्यसभा से चुना जाना चाहिए, और ये अनिवार्य है, उसके आगे आप लोग नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपको दिख रहा होगा, इसी की बात कर रहा हूँ। इसकी राजधानी कोलकाता है, और आप सभी को मालूम है कि एक और प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, क्योंकि आप समझिए कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, तो अगर यहाँ विधान परिषद हुआ करती होती तो विधान परिषद के द्वारा चुनकर वो मुख्यमंत्री बन सकती थी। लेकिन अब उन्हें क्या करना होगा, उन्हें एक सीट किसी की खाली करवानी होगी, उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ना होगा और सदस्य बनना होगा, और मुख्यमंत्री तब तक वो 6 महीने तक रह सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, याद रखिए। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ विधानसभा सीटें 294 हैं, लोकसभा सीटें 42 हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, और राज्यसभा सीटें आपकी 16 हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को आपका पश्चिम बंगाल बना था राज्य। ठीक है, ये आपकी सीमा की बात करूँ तो उड़ीसा देख रहे हैं आप लोग, झारखंड, ये आप देखेंगे बिहार हो गया, देखिए सिक्किम हो गया, यहाँ आप देखेंगे आपका असम हो गया। ठीक है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपको याद रखना चाहिए इसकी सीमा आपकी नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी और बांग्लादेश से भी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि देखिए यहाँ 213 सीटें मिली हुई है, ममता बनर्जी की पार्टी को 213 सीटें मिली हुई है, और इसलिए उन्हें ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। नंदीग्राम हारने या अपनी सीट हारने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी सीटों पर ममता बनर्जी के चेहरे पर ही एक तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था। इसमें उनकी कोई, आप सोचें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम या उनकी छवि पर कुछ धूमिल होती है या गिरावट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें भी, अगर तृणमूल कांग्रेस में भी कुछ और नेता होते, अगर तब होता ऐसा, तो जरूर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को झटका माना जाता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, वो आराम से मुख्यमंत्री बन जाएंगी। आप लोग देखेंगे कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपनी सीट हारने के बाद और विधानसभा की सदस्य नहीं होने के बाद भी सीएम बन सकती है, कोई भी बन सकता है। ठीक है ना, वो किसी भी सदस्य ना हो, चाहे विधानसभा हो फिर चाहे विधान परिषद हो। ऐसे कुछ मुख्यमंत्री आप लोग देख भी सकते हैं, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनते समय अपने राज्य की विधानसभा के सदस्य नहीं थे और ना ही विधान परिषद की, जहां विधान परिषद भी है उसके भी सदस्य नहीं थे। जैसे आप लोग देख लीजिए बिहार के नीतीश कुमार के नाम का आप लोग सुनते हैं और अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं, वो 3 दशक से अधिक समय से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा फिर भी मुख्यमंत्री है। समझ में आया आपको कि 3 दशक से आप कह सकते हैं कि आपने देखा कि एक तरह से इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा विधानसभा का फिर भी मुख्यमंत्री हैं। आप कैसे कहेंगे कि कैसे हैं, तो विधान परिषद के द्वारा ये चुन लिए जाते हैं। ठीक है, और केंद्र में आपने देखा होगा कि मनमोहन के बारे में, मनमोहन सिंह के बारे में तो सुना होगा, वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 2 बार आए, और आपने देखा है वो भी कहीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा उनने, वो राज्यसभा से जाते थे। ठीक है, आप देखेंगे कि नवंबर में आपने देखा कि बिहार में चुनाव हुआ था और वे प्रत्याशी भी नहीं थे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव नहीं लड़ा, ये दोनों आप देखेंगे विधान परिषद के सदस्य हैं। और आपके क्या है कि बिहार में और आपके महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ये अच्छी सुविधा है कि विधान परिषद से वो चुन लिए जाते हैं। और अगर आप सोचिए कि बिहार में विधान परिषद ना होती तो
तो हो सकता है कि हारने का चांस भी बना रहता है, लेकिन विधान परिषद ये आराम से आप सिलेक्ट हो जाते हैं। बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद के रूप में दो सदन हैं, लेकिन बंगाल में विधान परिषद नहीं है, आप सभी को मालूम ही है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ममता को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना होगी। वे खाली गई किसी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ऐसी सीट जहां किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाया है, या फिर अपने किसी उम्मीदवार को वो हटा दें, वो कह दें कि आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं वहां से चुनाव लड़ लेती हूँ, से चुनाव लड़कर और जीत हासिल करके सदन की सदस्य बन सकती हैं। और संविधान का अनुच्छेद जो 164 है ना, ये कहता है कि एक मंत्री जो कि विधायक नहीं है वो 6 माह से इस्तीफा देना होगा, और ममता 6 माह की समय सीमा में किसी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकती हैं। यानी कि 6 महीने तक आप रह सकते हैं बिना विधानसभा हो, चाहे आपका विधान परिषद किसी के सदस्य नहीं है, तब भी आप लोग मुख्यमंत्री या मंत्री आराम से बन सकते हैं। ठीक है, कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा एमपी में भी तो ऐसा ही हुआ था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस समय आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनते समय वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, बाद में उन्होंने देखा है आपने कि विधानसभा के सदस्य बने थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, पहले वो सांसद हुआ करते थे। ठीक है, तो याद रखिए नंदीग्राम के परिणाम की आधिकारिक घोषणा के पहले ही आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वे लोगों का जो भी फैसला होगा नंदीग्राम में उसे स्वीकार करेंगी, और उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के बारे में चिंता मत करिए, मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष करते हुए आंदोलन छेड़ा है, और नंदीग्राम के लोग जो भी फैसला करेंगे मैं स्वीकार करूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिछली बार से भी उन्हें एक अच्छी जीत मिली हुई है, तो उन्हें चिंता भी नहीं है, और आप समझ सकते हैं कि उनकी कोई छवि में 1% भी मैं कह सकता हूं कि कोई धूमिल नहीं हुई है, क्योंकि समझ सकते हैं कि एक ही नेता के अगर पूरा पश्चिम बंगाल चुनाव जीत जाता है, उनकी पार्टी अच्छे से चुनाव जीत जाती है, उसी के चेहरे पर वो अपनी सीट हार जाता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा। अगर उनके आप समझिए कि पितृ मतलब उसी पार्टी में दो चार ऐसे नेता होते और बराबरी का एक तरह से नेतृत्व करते होते और उनके नाम पर भी वोट पड़ते होते, तो जरूर मारामारी जरूर होती पार्टी में कि तुमने अपनी सीट नहीं बचा पाया, तुम पार्टी आगे क्या बढ़ाओगे। तो याद रखिए उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि 66 वर्षीय ममता ने कहा है कि मैंने सुना है कि कुछ गड़बड़ियां नंदीग्राम चुनाव में हुई हैं और इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगी, चुनाव आयोग ने फिर से काउंटिंग की ममता बनर्जी की मांग को ठुकरा भी दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब वो जाए या ना जाए, लेकिन उन्हें 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहेंगी, उसके बाद वो किसी भी विधानसभा सीट से 6 महीने के अंदर चुने जाना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है, 6 महीने तक कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं बनी हुई है, तो इसलिए मुझे लगा कि कई लोग लिख रहे थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है, वो अपना चुनाव तो हार चुकी है और वहां तो विधान परिषद भी नहीं है, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 6 महीने तक बिना कुछ बने हुए आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और कोशिश करिए, हो सकता है बन जाए। ठीक है।